जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीएड काउंसलिंग कब से शुरू होगी। अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल रहा था, अभी पेपर में थोड़ा बहुत जानकारी मिली है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। उसके पहले देखिए, मैंने आपको दिखाया, हमने मेल से पूछा था वहाँ पर, ये देखिए मैंने, देखिए 6 अगस्त को पूछा था, तो इन्होंने जवाब दिया है 17 अगस्त को, यानी कि लगभग 11 दिन बाद इन्होंने जवाब दिया है। हमने 6 अगस्त को इनसे पूछा था कि बीएड काउंसलिंग कब से शुरू होगी, तो यहाँ से जवाब आया है, हाय ग्रीटिंग फ्रॉम हेल्प डेस्क, वी वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप चेकिंग आवर ऑफिशियल वेबसाइट, यानी महात्मा ज्योतिबा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी .ac.in फॉर द सेम रिगार्ड। फिर उसके बाद फिर वही है, MJRU हेल्प डेस्क आंसर डर्ड है। यहाँ पर सिर्फ यही मेल दिया गया है कि आप वेबसाइट चेक करते रहिए। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट पर ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए वही वेबसाइट है, MJPRU.ac.in। यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे भी कहीं पे कुछ भी नहीं दे रहा है। ऊपर आपको लिंक मिलेगी यहाँ पे, UP BEd ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इसके साइट पर आएंगे जो कि इस पर फॉर्म भरने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट डेट में आपको वही पुरानी डेटें मिल रही हैं, 5 अगस्त के बाद कोई डेट नहीं दे रहा। बीएड रिजल्ट वाले पे आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड आंसर के देखने का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दे रहा है। अब चलते हैं आपको न्यूज़ पे लेके। यहाँ देखिए आज के पेपर में दैनिक जागरण में दिया गया है, बीएड की काउंसलिंग सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ये वाला, जिसमें हमने बताया था कि आपको सितंबर के फर्स्ट वीक से काउंसलिंग आपकी हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे जो बातें निकल के आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि अब ये सितंबर लास्ट वीक से उम्मीद है। देखिए यहाँ पे बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा व उसका परिणाम तो विश्वविद्यालय ने शासन की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक जो है जारी कर दिया, लेकिन अभी काउंसलिंग शुरू होने में विश्वविद्यालय देर कर रहा है। विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष की अभी परीक्षा हो रही है, विश्वविद्यालय की ओर से जारी परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा 25 अगस्त को समाप्त होगी, यानी कि अभी इनकी खुद ही जो है परीक्षा भी ग्रेजुएशन की कंप्लीट नहीं हुई है, बाकी यूनिवर्सिटी की तो बात छोड़िए। तो इनकी जो लास्ट पेपर है वो 25 अगस्त को समाप्त होगा, 24 अगस्त को बीए तृतीय वर्ष के इतिहास का तीसरा पेपर होना है, वहीं 25 अगस्त को पर्यावरण का अनिवार्य पेपर है। ऐसे में मूल्यांकन होने के बाद ही परीक्षा का परिणाम जारी होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर मध्य के माह बाद परीक्षा का परिणाम जारी हो सकता है, यानी सितंबर मध्य के मतलब हुआ कि 15 सितंबर के आसपास, इसके बाद ही बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग शुरू हो सकेगी। स्नातक के अंतिम वर्ष का परिणाम केवल रोहिलखंड विश्वविद्यालय ही नहीं अन्य विश्वविद्यालय का भी जारी नहीं हो सका है। बिना परीक्षा परिणाम जारी हुए छात्रों की काउंसलिंग शुरू नहीं हो सकती, और ऐसे में विश्वविद्यालयों की देरी के चलते पूरे प्रदेश में बीएड का शैक्षणिक सत्र देरी से शुरू होगा। यहाँ पे रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से वेबसाइट पर भी काउंसलिंग को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है, ऐसे में छात्र जो है परेशान है। अब ऊपर यहाँ पे देखिए जो कि बीएड की तरफ से वहाँ से जो बोला गया है, ये बोला गया है कि स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम का इंतजार किया जा रहा है, सभी विश्वविद्यालय से भी संपर्क किया जा रहा है, सभी विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम जारी होते ही काउंसलिंग शुरू होगी, विश्वविद्यालय स्तर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। और ये बात वहाँ के प्रोफेसर PV सिंह, राज्य समन्वयक बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो करवा रहे हैं, उन्होंने बोली है। स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम जारी होने के बाद शुरू होगी काउंसलिंग, 25 अगस्त को स्नातक का अंतिम वर्ष, यहाँ पर अंतिम परीक्षा होनी है। तो दोस्तों ये तो हो गई है यहाँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी की। देखिए अभी कानपुर यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे दे रहा है कि आपको जो है यहाँ पे मौखिकी प्रायोगिक सभी जो मार्क्स हैं आपको 23 अगस्त शाम 5 बजे तक आपको पहुँचा देना है। यहाँ यानी कि यहाँ पे भी लगभग 23, 24, 25 अगस्त तक की जो है बात कही जा रही है। अगर 23 अगस्त तक यहाँ पर सारा डेटा पहुँच जाता है तो उसके बाद परीक्षा फल जो है घोषित कर दिया जाएगा। तो मान के चलिए इसका जो परिणाम है आपको 25 अगस्त के बाद, यानी ये भी सितंबर के फर्स्ट वीक तक आने के चांस हैं। तो उम्मीद यही है कि सितंबर जो है आधे मध्य तक सभी यूनिवर्सिटी अगर रिजल्ट जारी कर देते हैं तो आपके सितंबर लास्ट वीक, जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है, आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। तो
तब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, आयजात निवास जो भी बनवाना है सब बनवा के रख लीजिए, जिससे कि स्कॉलरशिप में भी दिक्कत ना हो। दोस्तों आपको बता दें, स्कॉलरशिप के लिए आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे, आप एक आय प्रमाण पत्र अगर कई जगह लगाते हैं तो वो ऑनलाइन में दिक्कत करता है, तो इस वजह से आप कोशिश यही करिए कि आप एक से ज़्यादा आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। जितने भी लोग आपके परिवार, जितने भी लोग पढ़ रहे हों घर में, सबका अलग अलग आय प्रमाण पत्र रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और आपको ये जानकारी रख लेना है कि आपके ज़िले में जो आय प्रमाण पत्र है वो किसके नाम से बनवा के वहाँ पे लगता है, क्योंकि कहीं कहीं पे स्टूडेंट के नाम का लगता है, कहीं कहीं पे उनके फादर का नाम का लगता है, तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अलग अलग कॉलेज के हिसाब से रहता है। जैसे कि हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जब पिछले लास्ट ईयर डाला था तो वहाँ पे कैंडिडेट के नाम का आय प्रमाण पत्र लगता है, लेकिन यहाँ पे जो है अभी कानपुर यूनिवर्सिटी से यहाँ पे जो है फादर के नाम का लग रहा है। तो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम है, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप कहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे कैसे लग रहा है, तो उसी हिसाब से आप जो है बनवा के रख लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।